नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। नए साल पे कोरोना गाइडलाइंस के नाम पर सभी पार्कों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले की युवाओं से लेकर राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की है। औरंगाबाद में भी सरकार के निर्णय की आलोचना हो रही है। युवाओं ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय ने नववर्ष के सेलिब्रेशन पर पानी फेर दिया है। औरंगाबाद शहर में किसी खास अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए युवाओं के पास एकमात्र पार्क का ही विकल्प है और युवा इसके लिए शहर के दानी बिघा के इकलौते पार्क में आया करते हैं। पार्कों की बंदी के सरकार के आदेश ने उनके न्यू ईयर को मनाने के उत्साह पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। देखिए, औरंगाबाद में एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें सभी लोग यहाँ पर, जैसे छोटे जगह पे एक छोटा सा ऐसा जगह होना जहाँ पे लोग परिवार के साथ कुछ मोमेंट को सेलिब्रेट करें, तो इसके लिए एक यहाँ पे पार्क था। तो लोगों का उम्मीद था कि नए साल में अगर हम कहीं नहीं जा पाए तो अपने शहर के एक छोटे से जगह पे ही जा करके फैमिली के साथ अच्छे से दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें। ऐसे में अचानक से यह खबर आती है बिहार सरकार द्वारा कि सारे पार्क को 31 से 2 तारीख तक के बंद कर दी जाती है। ऐसे में सारे परिवारों के लिए, सारे लोगों के लिए नाखुश हैं लोग, और यह जो खबर है वह दुखी करने वाला है कि ऐसे में, ऐसे सुनहरे पल में लोग जहाँ पे सेलिब्रेशन का सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे में अचानक से पार्क का बंद हो जाना एक नाखुशी है लोगों में। ये सरकार का ढकोसला है, जब कोई त्यौहार व्यौहार आता है तो बोलते हैं कि बंद हो जाएगा, ये होगा, और इलेक्शन चुनाव रहता है तो कुछ बंद नहीं होता है। परिवार के साथ, हाँ, हम लोग सोचे कि सब परिवार के साथ आएंगे 1 जनवरी को, अच्छा से हम मनाएंगे, ये सब बंद हो रहा है तो आपको दिक्कत है। इधर औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने नव वर्ष पार्कों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में जिले के सभी सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे और जिला प्रशासन द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। नववर्ष के आसपास के दिनों में हम लोग पार्क में, चूंकि ज्यादा भीड़ होती है, उसकी एंट्री बंद कर देंगे, पार्क को हम लोग क्लोज रखेंगे और सामान्य दिनों में पार्क चालू रहेगा। वहीं राजनीतिक दलों ने पार्क की बंदी के आदेश को लेकर राज्य सरकार, खासकर मुखिया नीतीश कुमार को अड़े हत्थे ले लिया है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल के अंत से लेकर नव वर्ष के आरंभ तक इन दिनों राज्य भर में समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी इस यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। इस तरह की भारी भीड़ से कोरोना नहीं फैल रहा है और पार्कों में एक दिन आम दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा भीड़ लग जाएगी तो इससे कोरोना फैलने लगेगा। राज्य सरकार का नव वर्ष पर पार्कों को बंद करने का फैसला तुगलकी फरमान है। मुख्यमंत्री पहले खुद को सुधारे तब समाज सुधार की यात्रा पर निकले। बगैर ऐसा किए उनके मुंह से समाज सुधार की बात बेमानी सी लगती है। गया है पार्क को बंद करना, सभी पर्यटन स्थल को बंद करने का जो निर्देश दिया गया है वो काफी निंदनीय कहा जाए या हास्पद कहा जाए। बिहार सरकार जो आदेश दे रही है पार्क बंद करने का कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए, तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं, कितना भीड़ हो रही है उस यात्रा में, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? पहले आप अपने यात्रा को बंद करें, इसके बाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।